अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा एंड मोमिना चैनल। मैं हूं आयशा। मैं हूं मोमिना। तो आज हम आप लोगों के लेके एक न्यू चैलेंज, और वो चैलेंज है KFC हॉट एंड क्रिस्पी विंग्स चैलेंज। तो ये है हमारे हॉट एंड क्रिस्पी विंग्स। इतने ज्यादा, देखते हैं क्या होता है। कैसे खाएंगे आज हम? तो ओपन करें, निकालें जरा क्या क्या है। वाओ, कितने कितने हैं? हॉट विंग्स हमारे आ चुके हैं और 5 बकेट्स हैं। रोल्स बता दें। रोल्स ये हैं कि एक बकेट मेरी है, एक बकेट मेरी है। तो इसमें हैं, इसमें है 10 विंग्स, इसमें 10 विंग्स हैं, और एक ये है, और इसमें भी 10 है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 आयशा लेगी और 5 मैं लूंगी, क्योंकि तो हमने 25-25 करने हैं। हाँ, तो 1 आप रख दो, 2-3 अब 2 इसमें डाल दो, 4-5 और ये देखें 1-2-3-4-5 तो ये हो गया खाली। तो अब इसको साइड पे करते हैं, साइड पे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 50 हॉट विंग्स चैलेंज। 3-2-1 अच्छा, पूरे पूरे खाने हैं? पूरे खाए हैं। कितनी मिस हड्डियां भी खानी है क्या? अगर वो बॉडी उतर ना रही है, वो कैंसर हो जाएगा। जिसके साथ बॉडी लगी हो एक एक बकेट हमारा फिनिश हो गया, जितने जितने भी थे पकाने। मिस्त्री खराब हो गई, थक गए, बहुत खा लिया। आयशा का बकेट दिखा हुआ है, खत्म हो गया। 15 मिनट खाली, बस बहुत हो गए। गिने पता नहीं चल सकता। आयशा आप और खा सकेंगी? पता नहीं, अभी थक गई हूँ। मैं तो कंटिन्यू करती हूँ। आयशा भी शुरू हो गई, मुझे नफरत होनी चाहिए। मुझे भी।
मुश्किल है खाना, देखने में जितने छोटे छोटे लग रहे हैं ना और खाने में उतने ही मुश्किल है। शुरू में बहुत मजा आया, बाद में फिर जब दो खाया ना उसके बाद अजीब सा हो गया। तो चैलेंज खत्म कर दिया जाए एंड 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 हाँ। और लोग मुझे कहते हैं कि ना आशा इतना खाती है फिट कैसे है, एक दिन खाती हूँ बाकी पूरे वीक कुछ नहीं खाती ज्यादा। समोसा खाने के बाद वो चार साढ़े चार समोसा खाने के बाद मैंने ना कुछ तीन चार दिन मैंने कुछ चीज़ नहीं खाई इस तरह की हैवी, पता है ना। और एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, दो बजे ब्रेकफास्ट किया था दूसरे दिन। मैं तो वैसे भी कुछ खाती सारा दिन मुझे ये समझ आती है मौलो भाभी जिंदा कैसे हैं। मैं जब भी सुनती हूँ कुछ नहीं खाती, पता नहीं क्या हो गया, क्या खाती हैं आजकल। सुनती क्या, देखती भी हैं, कुछ खाती ही नहीं। किचन में तो होती है ना, ना मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो जिंदा कैसे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक होता है बहुत ज्यादा खाना, हैवी खाना, मैं सिर्फ अच्छा मैं चाय। कैसे खाती हूँ मैं देखती नहीं। तो फिर मेरा मतलब मौलो भाभी ये गलती करती हैं, वो रात को डिनर करती हैं लेट। डिनर में क्या करते हैं, कभी कभी करती हूँ। पहले की बात कर रही हूँ, आप मुझे समझ आ गई है शायद पहले की बात कर रही। अब मसला ये है कि ना गर्मी है ना, इसलिए मेरा गर्मियों में कुछ नहीं मैं खाती मतलब हूँ। फ्रूट्स खा के सोती हैं, ये तो मैंगो वगैरह ये तो मैंने देखा कभी कभी। हाँ तो कभी कभी शाड़ा जब अली ले आते हैं मैं खा लेती हूँ। अब कुछ दिन की बात है, आप लोगों ने स्टोरी देखा होगा, अम्मी का बर्थडे था तो इन्होंने बर्गर खाया, फिर हमने अगले दिन खाया था, मैंने भी नहीं खाया था अच्छा, क्योंकि हमने क्या किया था समोसा चैलेंज। हाँ। समोसे चैलेंज किया हम दोनों ने नहीं खाया था। चलो आऊँ मैं फिर। आ जाओ। डर किसको लग रहा है? किसी को भी नहीं लग रहा। मैं तो और भी खा लूँ, और खा लूँ मैं। अब नहीं, अब फिनिश कर दिया आपने। चलो ठीक है। क्या लग रहा है कौन जीता है, कौन खा रहा है? मौला भाभी की ज़्यादा हड्डियाँ लग रही है, मेरी नहीं लग रही। लेकिन आयशा की हड्डियाँ तो बड़ी बड़ी थी। हाँ बहुत मुश्किल। आयशा ने पूरा नहीं खाया पूरा। अच्छा, ये बड़ी हड्डी पूरा नहीं खाया होगा, वो कैंसर जो क्रिस्पी चीज होती है ना, पर आयशा ने नहीं खाई। नहीं वो तो चर्बी थी। चर्बी तो नहीं थी, चर्बी होती है। बिलाल को पता है जिसमें दो हड्डियां हैं मेरी। मैं एक आइडिया देती हूँ कि हड्डियां गिनने के बजाय हम अपने विंग्स गिनते हैं, विंग्स कितने बचे हैं 25 में से और किसने कितने खाए हैं। ठीक है, सबसे पहले आयशा काउंटिंग करती है। काउंट करो आप। धक धक हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो इसका मतलब आयशा ने खाए हैं 14 विंग्स। ठीक है, तो अब बारी है मेरी। मुझे लगता मैंने कम खाया है, और भी खा सकती थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने खाए हैं 15 और हाँ एक का फर्क आया, सिर्फ एक का। और मम्मी भाभी ने कुछ खाया भी नहीं था सुबह का। आपने भी नहीं खाया था? खाया था। अच्छा मैं देखता हूँ, वैसे अब जरूरत नहीं खड़ी है देखने की। फिर भी देख सकते हैं, मैंने बहुत स्पाइस खाया जी। ये एक नंबर से अच्छा, जो बाकी बच्चे हैं वो किसके पेट में जाएंगे? वो भी लाल के खा ही सकता और बाकी सब भी खा लेंगे। मैंने वो होती काम दो तीन खा लूंगा यार। तो अब बारी है पनिशमेंट की। पनिशमेंट ये है कि जो बच्चे हैं वो अच्छा खाएंगे। वैसे भी आपको तो विंग्स पसंद ही नहीं है, बिलाल भाई को विंग्स तो इतने शौक से नहीं खाते, वो बहुत कम ये बहुत अच्छे हैं, बिलाल को पसंद आएंगे। तो अब बारी है पनिशमेंट की। तो आयशा को क्या पनिशमेंट दूँ, सब कुछ तो आयशा ने खा लिया हुआ है। पहले ये मुझे खाने दो, आयशा के बाद पनिशमेंट देना। चलो ये खाया जाए, ये खाएं पहले कैमरा मैन। बहुत ज्यादा है आज तो, सारे खा सकते हैं। तो अब बारी है पनिशमेंट की। तो आज आयशा को मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगी जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे। ऐसी पनिशमेंट देने लगी आयशा, आपको पता है मैं क्या पनिशमेंट देने लगी? पता है मुझे क्या? देसी घी खिलाना। मैं तैयार रेडी हूँ। रेडी आयशा आज खाने के लिए, जो कहती थी मैं नहीं खा सकती मुझे कुछ हो जाएगा, आज पता नहीं कैसे रेडी हो गई है। तो मैं जाती हूँ और देसी घी लेके आती हूँ। मैंने सोचा लोगों ने इतना कहा है कि आशुक देसी घी खिलाओ, तो मैंने सोचा अब खा ही लूँ, कुछ नहीं होता, अपना सांस रोक के खा लूँगी आज। क्या कहाँ गया देसी घी?
आप खुशियाँ मनाओ। क्यों? जब मैं गई किचन में फ्रिज खोला तो देसी घी फिनिश हो गया। तो कोई बात नहीं, डाटा ले आओ। आयशा की किस्मत देखे, कैसी किस्मत है, देसी घी नहीं खा सकी। तो क्या हुआ? लेकिन अब डाल्टा खिला दो। डाल्टा खिला दूँ? हाँ, नहीं मैंने हाँ। देसी खिलाना है, डाल्टा क्यों खिलाऊँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम चैलेंज करेंगे, सबसे पहले मैं आयशा को देसी घी खिलाऊंगी, मैं टेस्ट ही खराब हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैलेंज स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं वो भी हार जाऊं दूसरा। अभी किस्मत की बात आज खत्म हो गया, क्या हो सकता है। अब न्यू मैंने कहा डालटा खिला दो, ऑयल खिला दो ना, ये कोई वादा हो तो बंदा खाता रहता है। देसी घी नहीं आप खाते, डालटा ज्यादा मुश्किल है। देसी घी तो बंदे को नुकसान नहीं करता, मतलब कच्चा डालटा खा सकती हो आप, नुकसान नहीं करता। अभी खाती क्यों नहीं मैं ना, आप मुझे उसके स्मेल अच्छी नहीं लगती। डालटा आप खा सकती हो लेकिन आपको देसी घी नहीं पसंद। मैंने वही चीज पनिशमेंट में देनी है ना, जो पसंद ही ना हो। मैंने ना अपने दिल को मार दिया, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट चैलेंज में सबसे पहले आयशा को देसी घी खिलाऊंगी, तो आज की पनिशमेंट पोस्टपोन होती है। कि मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े तो मैंने सोचा क्या हो गया। मैंने मम्मी भाभी को कहा गुस्से में, मैंने कहा मैं खा ही लूंगी, तंग आ गई हूँ, आयशा को देसी घी खिलाओ, ये करो ये करो, मैं हर चीज़ खा सकती हूँ। अब मैंने सोचा है, अब मैंने ये सोचा, अब मैं दिल को मनाया कि किसी चीज़ से नहीं डरना, हर चीज़ खानी है। लेकिन फिर भी आयशा की किस्मत अच्छी है। कोई कहाँ अच्छी है, फिनिश हो गया देसी घी देनी तो है मुझे नेक्स्ट चैलेंज में सजा। हाँ, तो आज के लिए तो हो गया ना। जब इंसान अपने दिल को खत्म कर लेता है ना, तो वो हर चीज़ खा सकता है। उससे ये नहीं पता चलता कि खुशबू क्या है और मतलब बदबू क्या है। आयशा को कौन सा रोग लग गया। चलें फिर एंड करते हैं वीडियो का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आशा ममदा चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और आयशा लाइफस्टाइल को भी जाके सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा को भी फॉलो करें और मेरा इंस्टा भी फॉलो करें और मोमना अली चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने अपनी शादी के आउटफिट्स दिखाए हैं, जिसने अभी तक नहीं देखे जल्दी जाके देखे, बहुत अच्छी वो वीडियो है। और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे दोनों चैनल्स के। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।